हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास सेवेंथ का फोर्थ चैप्टर द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बी पॉइंट 1.1 है, एंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, यानी प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से देना है। क्वेश्चन नंबर ए, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पिकक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट टाइप ऑफ पिकक इज फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में किस तरह के मोर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, ब्लू पिकक इज फाउंड इन इंडिया, यानी नीले रंग के मोर भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज अ पीकॉक ईट, यानी मोर क्या खाता है। तो इसका आंसर होगा, अ पीकॉक ईट्स स्नेक्स फ्रॉग्स लिजार्ड्स प्लांट सीड्स फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स, यानी एक मोर मेढक सांप छिपकली पौधे बीज फल और कीड़े मकोड़े को खाता है। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हेन डज अ पीकॉक यूजुअली डांस, यानी साधारणतः एक मोर कब नाचता है। तो इसका आंसर होगा, अ पीकॉक यूजुअली डांसेस इन रेनी सीजन व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, यानी वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल रहते हैं तो मोर नाचता है। क्वेश्चन नंबर ई है, डू यू लाइक पीकॉक्स। तो इसका आंसर लिखेंगे, येस आई लाइक पीकॉक्स, हाँ मैं मोर को पसंद करता हूँ। उसके बाद बी पॉइंट 2.1 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी बच्चों सही कथन के लिए टी और गलत कथन के लिए एफ लिखना है। तो ए है, अ पीकॉक हैज़ मल्टी कलर्ड फीदर्स, यानी एक मोर के पंख बहुरंगी होते हैं। तो ये सत्य है, ट्रू होगा। बी है, इट हैज़ अ थिक नेक, यानी इसकी गर्दन मोटी होती है, तो ये फाल्स होगा। सी है, इट इज़ अ प्लांट ईटिंग बर्ड, यानी यह एक पौधा खाने वाला पक्षी है। तो बच्चों ये फाल्स होगा, क्योंकि यह मोर जो है वह सांप मेढक छिपकली कीड़े मकोड़े को भी खाता है। डी नंबर है, द पीहेन इज मोर ब्यूटीफुल देन द पीकॉक, यानी मोरनी मोर से बहुत सुंदर होती है। तो ये एफ होगा फाल्स, क्योंकि मोर मोरनी से बहुत सुंदर होता है। अब ई नंबर है, द पीकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स, यानी मोर जब बारिश होता है तो नाचता है। तो ये ट्रू होगा, यानी टी। अब बी पॉइंट 2.2 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन के सामने टिक लगाना है। तो ए है, द बॉडी ऑफ अ पीकॉक इज, अब यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है। तो फर्स्ट है राउंड, सेकेंड है ओवल, थर्ड है सिलिंड्रिकल। तो बच्चों इसमें ओवल होगा, क्योंकि मोर का शरीर अंडाकार होता है। उसके बाद बी नंबर है, द पीकॉक हैज़ अ डैश नेक, तो थिक थीन स्लेंडर। तो बच्चों इसमें हम लोग स्लेंडर भरेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि अ पीकॉक हैज अ स्लेंडर नेक, यानी मोर की गर्दन पतली होती है। सी नंबर है, इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन डैश। अब बच्चों यहाँ पर भरना है हम लोगों को, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया हुआ है, ब्यूटी साइज और तीसरा है शेप। तो इसमें हम लोग भरेंगे ब्यूटी, इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी, यानी इसके पंख सुंदरता में बेजोड़ होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अब इसके बाद है बी पॉइंट 2.3, पिक आउट सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी बच्चों चैप्टर को पढ़ करके उससे चूज करके हम लोगों को यहाँ पर सुइटेबल वर्ड्स भरना है। ए नंबर है, द डैश पिकॉक इज फाउंड इन इंडिया। तो इसमें हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, मिलेगा हम लोगों को कि द ब्लू पिकॉक इज फाउंड इन इंडिया। तो बच्चों इसमें ब्लू भरेंगे। बी नंबर है, द मेल पिकॉक इज मोर डैश देन द पीहेन। तो इसमें भरेंगे कलरफुल, यानी द मेल पिकॉक इज मोर कलरफुल
देन द पी हेन, यानी मोर मोरनी से रंगीन होता है। अब उसके बाद है सी, द फीडर्स ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन डेकोरेशन, इसमें यहाँ डेकोरेशन भरेंगे। उसके बाद डी है द पीकॉक डैश लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स, तो इसमें बच्चों डिवोर्स भरेंगे। ई है द पीकॉक डांसेस इन डैश सीजन, तो इसमें रेनी भरेंगे, यानी द पीकॉक डांसेस इन रेनी सीजन, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। अब बी पॉइंट 2.4 है, एंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द से अधिक में नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ पीकॉक, यानी मोर के विशेषताओं का वर्णन करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे देयर आर वेरियस स्पेसीज ऑफ पीकॉक, इन इंडिया ओनली ब्लू पीकॉक इज फाउंड, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवरऑल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, इट हैज अ स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक, इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी, इट इट्स स्नेक फ्रॉग्स लिजार्ड्स प्लांट सीड्स फ्रूट्स इंसेक्ट्स इटीसी। अब क्वेश्चन नंबर बी है हाउ डज अ पीकॉक डिफर फ्रॉम अ पीहेन इन अपियरेंस, यानी एक मोर मोरनी से किस तरह अलग होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे अ पीकॉक इज मोर कलरफुल देन अ पीहेन, अ पीहेन हैज नो सच प्लम्स एज अ पीकॉक हैज। क्वेश्चन नंबर सी डू यू लाइक बर्ड्स व्हाई, गिव रीजन इन योर सपोर्ट ऑफ योर एंसर, यानी क्या आपको पक्षी पसंद है, यदि है तो क्यों, इसका रीजन कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो इसका आंसर लिखेंगे येस आई लाइक बर्ड्स बिकॉज बर्ड्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे बैलेंस आवर इन्वायरमेंट, वेरियस इंसेक्ट्स एंड थ्रोन वेस्ट materials are eaten up by the birds, thus they work for us by cleaning our environment. Question number D hai, why do you think that the peacock is the national bird of India? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बच्चों the peacock is a very beautiful and attractive bird, its plumes are matchless in beauty, its plumes are used for decoration, so it has been chosen as a emblem of our national bird. इसके बाद है C.1 correct the following misspelled words, यानी बच्चों यहाँ पर कुछ words दिए हुए हैं जिसमें spelling mistake है और इसे सुधार करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है PEECOCK, तो हम जानते हैं कि पीकॉक का स्पेलिंग ये गलत दिया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में ऐसा नहीं पढ़ा है, तो इसलिए चैप्टर पढ़ करके इसको सुधार करके लिखना है। तो इसका सुधार करके लिखेंगे PEACOCK, यहाँ नेशनल में भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको सुधार के लिखेंगे NATIONAL, स्लेंडर का भी मिस्टेक है तो स्लेंडर, यहाँ प्लम का दिया हुआ है तो प्लम्स, यहाँ डेकोरेशन DECORATION, यानी इसको सुधार के लिखना है। ये जो ऊपर दिया हुआ है इस वर्ड को सुधार करके स्पेलिंग सही करके लिखना है। अब C.2 है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, यानी बच्चों कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका बी कॉलम से मिलते जुलते मीनिंग का मैच करना है। जैसे इस ए कॉलम में दिया हुआ है वेरियस ओवल डिवोर मैचलेस सेरेमनी, तो इस मीनिंग से मिलते हुए वर्ड को बी कॉलम में मिलाना है। तो बच्चों इसका आंसर नीचे बता दिया गया है, जैसे वेरियस, वेरियस मतलब होता है विभिन्न, तो इसका डिफरेंट लिखेंगे, और ओवल है तो ओवल का एग लाइक यानी अंडाकार या अंडे जैसा,
डिवोर मीन्स निगलना होता है, तो इसका स्वालो मतलब भी निगलना होता है। मैचलेस का इनकम्पेरेबल होगा, सेरेमनी का फंक्शन होगा। तो बच्चों ये आप लोग का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब सी पॉइंट थ्री है, राइट 10 वर्ड्स विद द सफिक्स लेस एज शो इन द एग्जाम्पल्स। यानी बच्चों लेस सफिक्स जोड़ करके शब्दों में नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, मैच में लेस जोड़ करके मैचलेस बनाया गया है, यूज प्लस लेस यूजलेस बनाया गया है। यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ने से एक नया शब्द बना है। इसी तरह आपको 10 वर्ड लिखना है जिससे आपका एक नया शब्द बन जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया गया है, जैसे कलर प्लस लेस कलरलेस यानी रंगहीन, होप प्लस लेस मतलब निराशावादी निराशा, केयर प्लस लेस केयर मीन्स होता है देखभाल करना, और लेस जोड़ देते हैं तो हो जाता है केयरलेस मतलब लापरवाह। इस तरह आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट प्लस लेस प्लांटलेस, रेस्टलेस फीडरलेस स्पाइसलेस स्वीटलेस शुगरलेस यूजलेस। तो इन शब्दों को आप लोगों को याद कर लेना है और इससे मिलते जुलते और भी शब्दों को खुद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद है बच्चों डी पॉइंट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट है ही शॉट द बर्ड विद ऑब्लिक विदाउट अ गन। यानी उसने एक चिड़िया को मारा विद मतलब से बंदूक से या बिना बंदूक के। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा विद, ही शॉट द बर्ड विद अ गन, उसने एक बंदूक से चिड़िया को मारा। उसी तरह दूसरा है अ डायबिटिक यूजुअली टेक्स टी विदाउट शुगर, इसमें विदाउट होगा। यानी एक मधुमेह के रोगी जो शुगर के रोगी होते हैं वो बिना चीनी के चाय पीते हैं, तो यहाँ लिखेंगे विदाउट शुगर यानी बिना चीनी के वे चाय लेते हैं। उसके बाद तीसरा है वी राइट, इसमें बच्चों विद होगा, वी राइट विद अ पेन और पेंसिल। उसके बाद चौथा है द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज स्टिक, यानी बुढ़े व्यक्ति ने अपना छड़ी खो दिया। ही वेंट ऑन वॉकिंग विदाउट अ स्टिक, वे बिना छड़ी के टहलते हुए गए, तो इसमें विदाउट होगा। और पांचवा है सी वॉज गोइंग टू मार्केट विद ऑब्लिक विदाउट हर हस्बैंड, तो इसमें विद होगा। यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी दे दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट में विद, सेकेंड में विदाउट, थर्ड में विद, फोर्थ विदाउट, फिफ्थ का विद, ऑप्शन पर टिक करना है। अब है कंपोजिशन सेक्शन एफ में, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स एज वेल एज बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी रसायन का अत्यधिक प्रयोग मनुष्य के लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना कि पशु पक्षियों के लिए। इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना है जो कम से कम 100 वर्ड में होना चाहिए। तो बच्चों लिखेंगे एज वी नो दैट एक्सेसिव यूज ऑफ एनी थिंग इज बैड, यानी हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग बुरा होता है। यूज ऑफ केमिकल्स इन प्रॉपर इक्वेशन इफेक्ट्स पॉजिटिवली, बट वेन इट इज यूज्ड एक्सेसिवली इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन। इन इरीगेशन द एक्सेसिव वी ऑफ केमिकल थिंग्स एंड फर्टिलाइजर्स डैमेज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ईटिंग ऑफ सर्च क्रॉप्स क्रिएचर मे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड देयर वेस्ट थ्रोन इन द रिवर पोल्यूट द रिवर। इन सच रिवर्स फिशेज डाई एंड द वाटर डज नॉट रिमेन फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। उसके बाद जी है बच्चों ट्रांसलेशन, जी पॉइंट वन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश। यानी जो हिंदी में दिए गए हैं सेंटेंस, इसको आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
तो भारत में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ट्रांसलेट करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया, वे विभिन्न रंग और आकार के होते हैं। तो इसका होगा दे आर डिफरेंट कलर्स एंड शेप, उसमें से कुछ देखने में बहुत सुंदर होते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, मोर उनमें से एक है। द पीकॉक इज वन ऑफ देम, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो बच्चों, ये था फोर्थ चैप्टर द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड का क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ठीक से समझा सकूं। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।